हरियाणा ने प्रदेश के कई गांवों के नाम बदलने के साथ रेवाड़ी के गांव लूला अहीर का नाम बदलकर कृष्ण नगर करने को स्वीकृति दे दी है। ग्रामीणों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है कि कहा अब उन्हें शर्मिंदगी महसूस करने वाले गांव के नाम से मुक्ति मिल गई है। कोसली हलके का गांव लूला अहीर जो वर्षों पूरा गांव है, गांव के लोग भी नहीं जानते कि उनकी बुजुर्गों ने गांव का नाम लूला अहीर क्यों रखा, जब नाम बताने में शर्मिंदगी महसूस होती है। गाँव के सरपंच और ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें बड़े गाँव के नाम बताने में शर्मिंदगी महसूस होती थी और नाम बताने पर सामने वाला व्यक्ति मजाक मानता था। गांव की बहन बेटियों को गांव का नाम बताने में ज़्यादा शर्म महसूस होती थी। सरकार की तरफ से ऐसे गांव के नाम बदलने के लिए पंचायत से रेजोल्यूशन मांगे थे, जिसमें कौसली के लूला अहीर गांव की पंचायत ने देवनगर रखने की मांग की थी, लेकिन देवनगर किसी अन्य गांव को नाम दे दिया गया। अब सरकार ने गांव का नाम बदलकर कृष्ण नगर रखने को स्वीकृति दे दी है। सरकार के इस फैसले से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। रेवाड़ी से अजय त्री, आज़ाद टीवी न्यूज़। और इस गांव के नाम बदलने में सीएम साहब को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का कदम उठा के उन्होंने सारे हरियाणा में इस प्रकार की मुहिम चलाई है कि जो इस प्रकार के गांव हैं जिनको लेने में शर्मिंदगी महसूस होती है, तो ये पहल की आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। मैं इसका सीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ। और भी हम तो कहना चाहेंगे, जैसे चकबंदी के बाद लाल डोरे नहीं बढ़ाए गए हैं, तो हम तो कहेंगे वो भी पहल अगर मुख्यमंत्री जी करें तो गाँव बस्ती को सबको उसमें और खुशी होगी। जैसे